सॉल्यूशन जिसमें हमने एक टेक्निक देखा था पाइवोटिंग। सो गॉस एलिमिनेशन विद पाइवोटिंग क्या होता है आज हम प्रॉब्लम्स के थ्रू देखेंगे। गॉस एलिमिनेशन विद पाइवोटिंग, इन द बेसिक गॉस एलिमिनेशन मेथड द एलिमेंट ए आई जे व्हेन आई इज इक्वल टू जे इज नोन एज द पाइवोट एलिमेंट, है ना। बेसिक गॉस एलिमिनेशन मेथड में वो एलिमेंट जहां पर आई इज इक्वल टू जे होता है दैट इज कॉल्ड पाइवोट एलिमेंट, लाइक ए वन वन, ए टू टू, वन टू, वन वन और टू टू, वन इज इक्वल टू वन, टू इज इक्वल टू टू, आई इक्वल टू जे, इस तरह से वो होता है पाइवोट एलिमेंट। और हमने देखा था कि पाइवोट एलिमेंट लार्जेस्ट होना चाहिए पाइवोटिंग करते वक्त। तो हम क्या करते, ईच रो इज नॉर्मलाइज बाय डिवाइडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ दैट रो बाय इट्स पाइवोट एलिमेंट। हम क्या करते हैं, हर रो को कैसे नॉर्मलाइज करते हैं, उसके पाइवोट एलिमेंट से डिवाइड करते हैं। तो जब हम पाइवोट एलिमेंट से डिवाइड कर रहे हैं तो पाइवोट एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए पहली बात, या जीरो के आसपास नहीं होना चाहिए। तो हमें पाइवोट एलिमेंट लार्जर चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर पाइवोट एलिमेंट जीरो है फॉर आईथ रो देन दिस रो कैन नॉट बी नॉर्मलाइज, तो हम उसे नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। एंड देयरफॉर द प्रोसीजर फेल्स, तो हमने देखा था गॉस एलिमिनेशन मेथड वहां पर फेल हो जाती है। वन वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू इंटरचेंज दिस रो विद अनदर रो। तो हमने देखा था फर्स्ट वे तो ये है कि उस रो का हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं दूसरे रो के साथ में बिलो इट विच डज नॉट हैव जीरो एलिमेंट इन द पोजिशन, एंड देयरफॉर बिफोर ईच रो इज नॉर्मलाइज। इसीलिए हर एक रो को नॉर्मलाइज करने से पहले इट इज एडवांटेजियस टू डिटरमाइन द लार्जेस्ट कोएफिशिएंट इन द कॉलम बिलो द पाइवोट एलिमेंट। तो बिलो द पाइवोट एलिमेंट हमें क्या करना है, उस रो में लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमने देखा था टेक्निक्स ऑफ पाइवोटिंग में, ठीक है। लार्जेस्ट एलिमेंट मिल गया हमें, उसके बाद हमें क्या करना है, द रो कैन देन बी स्विच्ड सो दैट द लार्जेस्ट एलिमेंट इज द पाइवोट एलिमेंट एंड दिस इज कॉल्ड पार्शियल पाइवोटिंग। तो हमें उस रो को स्विच कर देना है पाइवोट एलिमेंट वाली रो के साथ में, ताकि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो पाइवोट एलिमेंट बन जाए। एंड इफ कॉलम एज वेल एज रोज आर सर्च फॉर द लार्जेस्ट एलिमेंट, अगर हम कॉलम और साथ ही साथ में रो भी सर्च करते हैं लार्जेस्ट एलिमेंट के लिए एंड देन उसे स्विच करते हैं, देन द प्रोसीजर इज कॉल्ड कंप्लीट पाइवोटिंग। लेकिन हमने देखा था कि कंप्लीट पाइवोटिंग में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल होता है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए हम कंप्लीट पाइवोटिंग ना करते हुए क्या करते हैं, पार्शियल पाइवोटिंग करते हैं। सो कंप्लीट पाइवोटिंग इज रेयरली यूज एज स्विचिंग कॉलम चेंजेस द ऑर्डर ऑफ एक्सेस एंड इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। अगर आप कॉलम भी स्विच करोगे रो के साथ साथ में तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, एक्सेस की पोजीशन बढ़ जाएगी, चेंज हो जाएगी एक्सेस की पोजीशन। इसीलिए हम कंप्लीट पाइवोटिंग नहीं करते, हमें सिर्फ क्या करना है, पार्शियल पाइवोटिंग देखना है। तो पहले हम प्रोसीजर देख लेते हैं। द प्रोसीजर फॉर पाइवोटिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब पाइवोटिंग में ये फॉलोइंग स्टेप्स हमें फॉलो करना है। पहली स्टेप क्या है, सर्च एंड लोकेट द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू अमंग द कोएफिशिएंट इन द फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट कॉलम में अगर ए वन वन जीरो है या ए वन वन जीरो के आसपास है तो हमें क्या करना है, लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू अमंग द कोएफिशिएंट इन द फर्स्ट कॉलम सर्च करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब वो निगेटिव वैल्यू भी नहीं होना चाहिए, मतलब निगेटिव भी हुआ तो हमें कोई फर्क नहीं है, हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखना है, जो लार्जेस्ट होंगी वो हमें फाइंड आउट करना है। सेकेंड स्टेप क्या करना है, एक्सचेंज द फर्स्ट रो विद द रो कंटेनिंग दैट एलिमेंट। फर्स्ट रो को उस रो के साथ एक्सचेंज कर देंगे जिस रो में लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, उसके साथ उसे एक्सचेंज कर देंगे। देन एलिमिनेट द फर्स्ट वेरिएबल इन द सेकेंड रो एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। उसके बाद सेकेंड रो में का फर्स्ट एलिमेंट हमें एलिमिनेट करना है, ए टू वन, उसे हमें जीरो बनाना है। एलिमिनेट करना है मतलब उसे जीरो बनाना है, जैसा कि हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड में देखा था, बस वही प्रोसीजर, वही रो ट्रांसफॉर्मेशन, वही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना है। व्हेन द सेकेंड रो बिकम द पाइवोट रो, अब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जीरो हो गया, अब सेकेंड रो बन गई पाइवोट रो। सर्च फॉर द सेकेंड कोएफिशिएंट इन द सेकेंड कॉलम फॉर द सेकेंड रो टू द नेक्स्ट nth रो एंड लोकेट द लार्जेस्ट कोएफिशिएंट। अब हमें ए वन वन का काम हो गया, अब ए टू टू है ना, मतलब सेकेंड रो में लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, अगर ए टू टू जीरो है तो या जीरो के आसपास है तो सेकेंड रो में लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है। सेम वही प्रोसीजर, लोकेट द लार्जेस्ट कोएफिशिएंट एंड एक्सचेंज सेकेंड रो विद द रो कंटेनिंग द
लार्ज कोएफिशिएंट, ये जो पहली दो स्टेप की थी रो वन के लिए या ए वन वन के लिए, वही सेम स्टेप हमें करना है ए टू टू के लिए। मतलब सेकेंड रो में लार्जेस्ट कोएफिशिएंट ढूंढना है और उसको सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम में लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढना है और उसे एक्सचेंज कर देना है सेकेंड रो के साथ में। एंड कंटिन्यू दिस प्रोसीजर टिल एन माइनस वन अननोन आर एलिमिनेटेड। जब तक एन माइनस वन अननोन एलिमिनेट नहीं होते, ये प्रोसीजर हमें कंटिन्यू करना है। एंड दिस प्रोसीजर इज रेफर टू एज पार्शियल पाइवोटिंग, और इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं पार्शियल पाइवोटिंग। देयर इज एन अल्टरनेटिव स्कीम नोन एज अ कंप्लीट पाइवोटिंग इन विच एट ईच स्टेज द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एनी ऑफ द रिमेनिंग रो इज यूज एज अ पाइवोट, लेकिन उसे हम कहते हैं कंप्लीट पाइवोटिंग। एंड कंप्लीट पाइवोटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ओवरहेड एंड देयरफॉर इज नॉट जनरली यूज। बहुत सारा कुछ ओवरहेड हो जाता है उसमें, एक्सेस की वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती है, पोजिशन चेंज हो जाती है, उसके बाद में मेमोरी ओवरहेड बढ़ जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं कंप्लीट पाइवोटिंग जनरली यूज नहीं करते। अब पाइवोटिंग आपको समझ में आया है, गॉस एलिमिनेशन मेथड वही है सेम, लेकिन उसके साथ साथ में हमें क्या करना है पाइवोटिंग करना है। तो हम ये प्रॉब्लम के थ्रू एक समझ लेते। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय पार्शियल पाइवोटिंग मेथड। अब यहां पर देखो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू वन, पहला इक्वेशन है फर्स्ट रो है, थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस थ्री एक्स थ्री इज इक्वल टू फाइव सेकेंड रो है या सेकेंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन या थर्ड रो है एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस फाइव एक्स थ्री इज इक्वल टू टेन। अब यहां पर देखो फर्स्ट रो में पाइवोट एलिमेंट कौन सा है वन वन, जिसका कोएफिशिएंट क्या है वन है, यहां पर थ्री है यहां पर वन है। पार्शियल पाइवोटिंग में क्या करते हैं हम, फर्स्ट कॉलम में फाइंड आउट करो लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है थ्री है, सो बाय यूजिंग पार्शियल पाइवोटिंग वी एक्सचेंज रो सच एज ए वन वन इज द लार्जर कोएफिशिएंट इन द कॉलम। ए वन वन लार्जर है क्या, नहीं वन है, लार्जर कौन सा है थ्री है, तो फर्स्ट रो को इससे एक्सचेंज कर देंगे तो ये थ्री यहां पर आ जाएगा, लार्जेस्ट कोएफिशिएंट ए वन वन हो जाएगा, सच एज ए वन वन इज द लार्जर कोएफिशिएंट इन द कॉलम। तो हमने इसको स्विच कर दिया रो टू को रो वन से, रो टू रो वन बन गई, रो वन रो टू बन गई, तो यहां पर ए वन वन की वैल्यू आ गई लार्जेस्ट थ्री आ गया, बाकी एज इट इज। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद गॉस एलिमिनेशन मेथड वही सेम, इसको बनाना है जीरो और इसको बनाना है जीरो, मतलब रो टू और रो थ्री को ट्रांसफॉर्म करना है इस तरह से। पहले तो ये इक्वेशन लिख लेंगे मैट्रिक्स फॉर्मेट में, वी कैन राइट द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्मेट एज थ्री वन माइनस थ्री फाइव, कोएफिशिएंट्स लिखना है वन 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 एंड वन माइनस टू माइनस फाइव एंड टेन। अब इसे और इसे जीरो बनाना है, सो रो टू को ट्रांसफॉर्म करना है रो वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ ए टू वन डिवाइडेड बाय ए वन वन प्लस आर टू, और आर टू इज इक्वल टू आर वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ वन डिवाइडेड बाय थ्री प्लस आर टू, रो थ्री को सेम रो वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ ए थ्री वन डिवाइडेड बाय ए वन वन प्लस आर थ्री, और रो थ्री इज इक्वल टू आर वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ वन डिवाइडेड बाय थ्री प्लस आर थ्री। यहां पर दोनों जगह पे वन वन है इसलिए यहां पर भी माइनस वन बाय थ्री, यहां पर भी माइनस वन बाय थ्री, ये करना है रो वन को माइनस वन बाय थ्री से मल्टीप्लाई करना है और आर टू में एड करना है, माइनस वन बाय थ्री से एड करना है और आर थ्री एड करना है, तो रो टू और रो थ्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, यहां पर हमें जीरो जीरो वैल्यू मिलेगी। तो रो वन तो हमेशा की तरह एज इट इज रहेगी, रो टू हो जाएगा जीरो, टू बाय थ्री टू है ना, वन माइनस ऑफ माइनस वन बाय थ्री दैट इज वन प्लस वन टू हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस टू बाय थ्री। वैसे सिमिलरली यहां पर रो थ्री हो जाएगी जीरो माइनस सेवन बाय थ्री माइनस फोर एंड ट्वेंटी फाइव बाय थ्री, इस तरह से ये दोनों जीरो हो गए। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं, सेकेंड रो में आपको फाइंड आउट करना है, सेकेंड कॉलम में सॉरी सेकेंड कॉलम में फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है वन टू बाय थ्री या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सेवन बाय थ्री, माइनस सेवन बाय थ्री है हमें चेक करना है सेवन बाय थ्री, तो वन टू बाय थ्री और या टू बाय थ्री और सेवन बाय थ्री में से कौन सा बड़ा है, सेवन बाय थ्री बड़ा है, इसे एक्सचेंज करना पड़ेगा। बाय पाइवोटिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस सेवन बाय थ्री दैट इज सेवन बाय थ्री इज ग्रेटर देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टू बाय थ्री, सो बाय एक्सचेंजिंग द रो सेकेंड एंड रो थर्ड, रो टू और रो थ्री को एक्सचेंज कर देंगे, रो थ्री रो टू बन जाएंगी, रो टू रो थ्री बन जाएगी, क्योंकि सेवन बाय थ्री टू बाय थ्री से बड़ा है, हमें पाइवोट एलिमेंट बड़ा चाहिए लार्जर चाहिए, यह चेंज हो गया। अब इसमें फिर अगेन इसको हमें क्या करना है जीरो बनाना है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड, रो थ्री इज इक्वल टू आर टू मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ ए थ्री टू डिवाइडेड बाय ए टू टू प्लस आर थ्री दैट इज आर थ्री इज इक्वल टू आर टू मल्टीप्लाइड बाय टू बाय सेवन है ना, माइनस ऑफ ए थ्री टू दैट इज माइनस ऑफ टू बाय थ्री डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ सेवन बाय थ्री,
टू बाय थ्री डिवाइडेड बाय सेवन बाय थ्री दैट इज टू बाय सेवन प्लस आर थ्री। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर थर्ड रो में ये जो कोएफिशिएंट है ये भी क्या हो गया है, जीरो हो गया है। ठीक है, तो ये भी जीरो हो गया है। अब थर्ड रो भी जीरो हो चुकी है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर दिस मैट्रिक्स एज, अभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमें मिल गया है, थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस थ्री एक्स थ्री इज इक्वल टू फाइव, फर्स्ट वाइज इट इज रहने वाली है, सेकंड रो में हमने एक्स वन जीरो बना दिया है तो ये हमें मिला है माइनस सेवन बाय थ्री एक्स टू माइनस फोर एक्स थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी बाय फाइव बाय थ्री। थर्ड रो में एक्स वन और एक्स टू जीरो हो चुके हैं तो सिक्स बाय सेवन एक्स थ्री इज इक्वल टू ट्वेल्व बाय सेवन। ये हो गया फॉरवर्ड एलिमिनेशन फेज गॉस एलिमिनेशन मेथड का। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन फेज में हम क्या करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, यहां से एक्स थ्री मिल जाएगा हमें, एक्स थ्री इज इक्वल टू ट्वेल्व बाय सेवन अपॉन सिक्स बाय सेवन दैट इज ट्वेल्व बाय सिक्स दैट इज इक्वल टू टू, एक्स थ्री मिल गया, एक्स थ्री की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे इक्वेशन टू में बैक सब्स्टिट्यूशन फेज में तो हमें एक्स टू मिल जाएगा, एक्स टू आ जाएगा माइनस सेवन, हमें आपको क्या, हमें क्या करना है, एक्स थ्री की वैल्यू इसमें पुट करना है, माइनस सेवन बाय थ्री एक्स टू माइनस फोर इंटू टू दैट इज माइनस एट इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बाय थ्री, और उसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स टू मिल जाएगा माइनस सेवन। अब एक्स वन मिल गया, एक्स टू, एक्स थ्री मिल गया, एक्स टू मिल गया, एक्स थ्री और एक्स टू की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो एक्स वन मिल जाएगा, थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू की वैल्यू क्या है माइनस सेवन, थ्री एक्स वन माइनस सेवन माइनस थ्री इंटू टू दैट इज माइनस सिक्स इज इक्वल टू फाइव, और जब उसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू सिक्स। इस प्रकार हम गॉस एलिमिनेशन मेथड में पाइवोटिंग कैसे करेंगे इसका हमने प्रॉब्लम देखा। स्टेप्स क्या होती है, फर्स्ट रो में हमें पाइवोट एलिमेंट को लार्जर बनाना है फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकेंडली रो टू के लिए जब रो टू पाइवोट रो बन जाएगी जिसमें ए टू टू जो है पाइवोट एलिमेंट हो जाएगा तो सेकेंड रो में हमें क्या करना है, फिर से लार्जर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है और उसे स्विच करना है, और बाकी स्टेप सेम है गॉस एलिमिनेशन मेथड की तरफ। थैंक यू।